नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम कक्षा 11 और हमारा विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक आरोह भाग एक गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा जो प्रथम अध्याय है प्रेमचंद और इनके द्वारा जो लिखित है नमक का दौरों का, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद जो हैं उनके बारे में जानकारी ली जाए कि प्रेमचंद कौन हैं, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रेमचंद के बारे में। इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था और इनका जन्म सन 1880 में हुआ और स्थान था लवनी गांव, उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान जो कि उपन्यास हैं, सोजे वतन, मानसरोवर आठखंड में गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह। और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1936 में हुई। अब प्रेमचंद का परिचय जो है, ये तो ऊपर जो हमने पढ़ा है ये संक्षिप्त परिचय था, तो इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य में किस प्रकार से योगदान दिया है, हिंदी के अंदर किस प्रकार से प्रेमचंद का योगदान रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, सबसे ऊँचे, यानी कि हिंदी कथा साहित्य को आगे बढ़ाने का जो काम है ना मुख्य रूप से, वो प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। अब देखिए कैसी विडम्बना है, इतने विद्वान कहते ना कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, लक्ष्मी का अभाव रहता है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती का अभाव रहता है, और दोनों कहते हैं कि एक स्थान पे बहुत ही कम रहती हैं। तो ऐसा ही हर जगह हमें देखने को मिला है या मिलता है कि जो भी कोई बड़ा विद्वान हुआ है तो उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो अभावग्रस्त रहा है, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे अन्य किसी कवि का वर्णन किया जाए। तो इसी प्रकार से ही अब इनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी, और ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था, और महात्मा गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाने के लिए त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। अब जो राजनीतिक संघर्ष था ये इनकी रचनाओं के अंदर एक सामाजिक संघर्ष रूप बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब जीवन का यथार्थ कहते हैं वास्तविकता को, वास्तविकता भी थी और एक आदर्शात्मकता भी थी, आदर्श भाव भी थे इसके अंदर, दोनों ही थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जा रहा है। अब देखिए अभावों से भरा जीवन था इनका, लेकिन आज जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अपने कह सकते हैं, तो उसमें केंद्र जो है वो प्रेमचंद ही हैं, क्योंकि इन्होंने विपत्तियों से कभी त्रस्त नहीं हुए, घबराए नहीं, कभी जो है अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ा, तो आज उन्हीं के कारण से प्रेमचंद को हर कोई जान रहा है। तो देखते हैं अपने आगे देख रहे हैं इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद का युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। निर्विवाद यानी कि बिना किसी विवाद के
महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है ये। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अब देखिए प्रेमचंद ही एक ऐसे हैं जिन्होंने पहले जो कहानी उपन्यास जो हैं वो केवल कल्पना पर रोमानियत पर यानी कि रहस्यों पर लिखे रहते थे। बाद में जब प्रेमचंद ने लिखना प्रारंभ किया है कहानी उपन्यास वगैरह जो है विधा को में जो है कल्पना का स्थान हटा दिया, रोमानियत को हटा दिया, यथार्थ जो जीवन था उसी को प्रतिष्ठित किया इन्होंने। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रह कर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। अब किस्सा गोई यानी किस्सा बता दिया, कहानी बता दी, बताओ आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं था, इससे आगे बढ़कर भी है, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा जो है उससे भी जुड़ी है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तानी, अब देखिए हिंदुस्तानी जो शब्द है ना उसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। अब देखिए इन्होंने हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से बड़ी प्रकार से अपने जो कहानी है उपन्यास है ना उनमें स्थान दिया है और ये जातीय स्वरूप के साथ आई आगे। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई। अब देखिए पंच परमेश्वर ये एक कहानी है जिसमें पंच को परमेश्वर कहा जाता है, पंचों को परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर की वाणी उनके मुख से निकलती है ऐसा माना जाता है। और जो आजकल तो ऐसा नहीं है, पंचायतें पहले गांव में पंचायतें वगैरह रहती थी, पंच चुने जाते थे और पंचों का जो फैसला है वो ईश्वर का फैसला माना जाता था, इसलिए पंच परमेश्वर परमेश्वर यानी कि ईश्वर के समान बताया गया है। और सेवा सदन जैसे उपन्यास है वो सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। अब यथार्थवाद के भीतर भी वास्तविकता के भीतर भी जो आदर्शोन्मुख है केवल इसमें बताया है कि आदर्शोन्मुख है, यथार्थ तो है ही वास्तविकता तो है ही, आदर्शोन्मुख भी है, आदर्श को बढ़ाने वाली भी है, आदर्शात्मक व्यवस्था को बताया है इसमें। यथार्थवाद से आलोचनावाद आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद समय उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। अब आदर्शोन्मुख आदर्श की ओर बढ़ता हुआ जो वास्तविकता है वो समय में उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। अब आपने इनमें से कुछ कहानियां पढ़ी भी होंगी, उपन्यास कुछ पढ़ा भी होगा, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, है ना, ऐसी कहानियाँ हैं जो कि वास्तविकता पर यथार्थवादी और आदर्शवादी भी हैं। ये बाद में उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। अब देखिए पहले आदर्शात्मक व्यवस्था थी, आदर्शात्मक प्रवृत्ति थी, धीरे धीरे कठोर जो वास्तविकता है ना उसको प्रस्तुत करना इन्होंने प्रारंभ किया और उसमें इन्होंने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। गोदान उपन्यास और पूछ की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। अब हम जो पढ़ेंगे हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है कहानी को नमक का दारोगा, क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ा है ये कि आदर्शवादी और यथार्थवादी, यथार्थवादी और आदर्शवादी जो चित्रण है वो इसमें किया गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास हैं और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा कहानियों में। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित की गई है वो है नमक का दारोगा, एक आदर्शात्मक यथार्थवादी कह सकते हैं रचना है जिसका हम अध्ययन करेंगे। ये कहानी जो है काफ़ी अधिक कह सकते हैं शिक्षाप्रद है,
हमें अपने जीवन में इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अभी एक आदर्शवादी यथार्थवादी कहानी है जिसमें बताया कि धन के ऊपर धर्म की जीत होती है, धन के ऊपर धर्म की जीत, ऐसी कहानी है ये। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्व्रति और असद्व्रति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। अब धन जो है वो असद्व्रति, बुराई, असत्य है, और धर्म को इसमें सद्व्रति, अच्छाई और सत्य का प्रतीक माना गया है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल शब्द जो है उर्दू का है, मुअत्तल का मतलब होता है कि वहाँ से निलंबित करवा देते हैं। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अंतः सत्य यानी कि अंतिम जो सत्य था कि उस व्यक्ति ने, जो मुंशी बंशीधर हैं, ईमानदार थे, कर्मयोगी थे और उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा और वे उनके आगे अपना सिर झुका देते हैं। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बेमुरब्बत उदंड यानी कि किसी की परवाह नहीं करने वाला, अपने आप में ही रहने वाला, जो किसी की बात को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा जो धर्मनिष्ठ है दरोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले भी तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। अब देखिए, इस कहानी के माध्यम से एक तरफ तो एक आदर्शात्मक जो व्यवस्था है, आदर्श जो है उसको प्रस्तुत किया गया है, साथ ही साथ उस समय जो प्रशासनिक या न्यायिक व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था ना, उस भ्रष्टाचार में व्याप्त जो सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से उजागर किया गया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमेशा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब ये जो है यथार्थवाद जो है ना, हमको निराशावादी बना देता है, क्योंकि यथार्थ में वास्तव क्या होता है तो वो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। और जो मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है कि मानव का चरित्र कैसा हो सकता है और है, तो जो हमारे चारों तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ नजर आने लगती हैं ना, तो इसके कारण से हमारे जो यथार्थवाद से हम निराशावादी की ओर बन जाते हैं और मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठने लगता है। लेकिन कहानी का अंत जो है ना, वो ये बताया है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत के साथ ही कहानी का जो समापन है वो किया गया है। तो आगे के भाग में हम अध्ययन करेंगे जो इनके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा रचित जो रचना है, जो इन्होंने कहानी लिखी है नमक का दरोगा, भाग दो में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनके द्वारा जो रचित जो रचनाएं हैं उनका संक्षिप्त अध्ययन किया है, और साथ ही साथ जो हमारे पाठ्यक्रम में जो अनुदित है, जो पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है नमक का दरोगा, उसके जो पाठ परिचय है उसका अध्ययन किया है। तो आगे के भाग में हम जो हमारी कहानी है इसमें संकलित की गई नमक का दरोगा उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पे आपको पुनः धन्यवाद कि आप अच्छे से इसको अध्ययन करें। नमस्कार।